स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंसान इज प्रो बायोलॉजी। होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और अगर नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन को हिट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम एपिस इंडिका के बारे में या हनी बी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये आपकी एपिस इंडिका है या हनी बी है। अब ये एपिस इंडिका है या मेलिफेरा है, ये हम कैसे जानेंगे? सबसे पहले अगर आपको इजी एक तरीका जानना है तो एपिस मेलिफेरा का क्या होता है, जो उसका साइज़ है वो एपिस इंडिका के कंपैरिजन में छोटा होता है। और अगर आप इसके एब्डोमिन पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको डार्क कलर के बैंड्स जो हैं वो ज़्यादा दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये एपिस इंडिका है, या एपिस इंडिका को ही एपिस सेराना भी बोलते हैं। बट अगर ये मेलिफेरा होगा तो यहाँ पे आपको इतने ज़्यादा डार्क बैंड्स नहीं मिलेंगे। और वीडियो में भले ही आपको साइज़ इसका बड़ा लग रहा हो, बट ये काफ़ी छोटी है, तो साइज़ की वजह से भी हम बोल सकते हैं कि ये जो आपकी बी है ये एपिस इंडिका या एपिस मेलिफेरा है, जो नॉर्मल इंडियन बी होती है। ये डिस्क्लेमर दे दूँ, मैंने इसको किल नहीं करा है, ये ठंड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है, तो ये मुझे अपनी बालकनी में डेड मिली थी। तो चलिए इसके मॉर्फोलॉजी के बारे हम देखते हैं। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से हैंडल करना होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर हम मेनली मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं सबसे पहले, बिकॉज इसके लेग्स जो हैं वो आप देख सकते हैं काफ़ी बाहर की तरफ पहले से ही निकले हुए हैं। तो चलिए हम पहले उसी की बात कर लेते हैं। बीज में जो आपका फर्स्ट लेग होता है, आपका नहीं, बीज का जो फर्स्ट लेग होता है, आप उसको देखेंगे, ये देखिए मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ, ये देखिए ये इतना बड़ा इसका फर्स्ट लेग है, या फोर लिंब है जिसको हम बोलेंगे। तो ये फोर लिंब आप देख सकते हैं। तो जब आप इसको हटाएंगे, आई डोंट नो वीडियो में आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए मैं आपको पास मतलब ऐसे करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इसके नीचे साइड पे ना काफ़ी आपको हेयर्स जैसे दिखेंगे। तो इसका काम ये होता है कि जब भी बीज का, अगर वो किसी फ्लावर पे मतलब पोलन जब लेने जाती हैं या नेक्टर लेने जाती हैं, तो उनका एंटीना ना कभी कभी गंदा हो जाता है। तो अगर एंटीना गंदा हो गया तो वो आपस पे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, या क्योंकि उनका एंटीना जो होता है वो मेन सेंसरी ऑर्गन होता है, इसलिए इस वाले फोर लिंब का यूज़ वो करती हैं अपने एंटीनास को क्लीन करने के लिए। और जिस वजह से आपका जो फर्स्ट लिंब है हनी बीज में, उसको बोला जाता है एंटीना क्लीनर, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस भी हैं इसमें। अब नेक्स्ट वाले लिंब की बात करें हम, तो ये इसका जो सेकेंड या मिडल लेग है, इसकी खासियत ये होती है कि यहाँ इसमें ना मिडल लेग में एक स्पर प्रेजेंट होता है, यानी कि स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसका काम ये होता है कि जब हनी बी जाएगी आपका पोलन लेने या नेक्टर लेने, या जब वैक्स वो प्रोड्यूस करती है, तो वैक्स जब उसकी एब्डोमिनल सेगमेंट्स में, यहाँ नीचे एब्डोमिनल सेगमेंट्स में चिपक जाता है, तो उसको वो छुड़ाएगी कैसे अपनी बॉडी से? सेकेंड लेग में या हनी बी के जो मिडल लेग में जो स्पाइन प्रेजेंट होता है, वो उसकी हेल्प से अपनी बॉडी से वो वैक्स छुड़ाती है, और इसी के साथ ही जो पोलन बास्केट में भी पोलन्स लगे रहते हैं उसको भी छुड़ाती है। अब सबसे लास्ट वाला जो इसका लेग होता है वो काफ़ी आपको लंबा दिखेगा और काफ़ी थिक भी दिखेगा, वो आई थिंक वीडियो में आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा येलोइश भी दिख रहा होगा, आई डोंट नो वीडियो में क्लियरली विजिबल है कि नहीं है। तो ये इसके पोलन बास्केट होते हैं, ये देखिए ये पोलन बास्केट है, तो ये इसका पोलन बास्केट है, यानी कि इसमें जो अब हनी भी है यहाँ पे ही वो पोलन स्टोर करके रखे। ये पोलन है जो अभी गिर रहा है ना, ये सारा इसका पोलन है, ये लेग्स नहीं है बल्कि ये पोलन्स हैं। अगर मैं ब्रश से इसको सेपरेट करके दिखाऊं, या अगर मैं नीडल से इसको सेपरेट करूं, तो इसमें आपको पोलन ग्रेन्स दिखेंगे, ये देखिए ये पूरा येलो येलो पोलन ग्रेन्स हैं, ये देखिए ये इसने अपने पोलन बास्केट में स्टोर करके रखा था। जो इसका हाइंड लिंब है, या सबसे लास्ट वाला जो लेग होता है, उसमें ये पोलन स्टोर करके रखती है। देखिए इतनी छोटी सी बी ने कितना सारा पोलन स्टोर करके रखा हुआ था, ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा सब पूरा पोलन ही है। तो अब ये लेग्स की बात तो हो गई, और अगर आप एंटोमोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो हमें यूजुअली स्लाइड्स भी बनवाई जाती हैं हनी बी के लेग्स की। मैं आपको एक बार अलग से ना निकाल के दिखा देती हूँ, बिकॉज अब लेग का तो डिस्कस कर लिया है, आप इसको हल्के से डिटैच कर सकते हैं,
बिल्कुल बेस से डिटैच करेंगे जिससे कोई हैम्पर ना हो, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आधा लेग उसमें लगा हुआ है और आधा टूट गया है। ये देखिए अब ये डिटैच हो गया, ये डिटैच हो गया है। अब अगर इसको स्प्रेड करना है तो आप इसको स्प्रेड कर, तो अगर आप इन लेग्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको स्पर बहुत इजीली दिख जाएगा। अभी क्योंकि मैं माइक्रोस्कोप इमेज तो नहीं दिखा सकती, बट मैं कोशिश करूँगी कि इसी वीडियो में साइड में मैं आपको तीनों लेग्स की इमेज एक्चुअली वो कैसे होते हैं वो मैं दिखा दूँ। मिडिल लेग में आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट सा स्पर दिखता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मिडिल लेग है। और पोलन बास्केट आप इसकी जो थिकनेस से आप पहचान जाएंगे कि जो आपका हाइंड लिंब होता है वो काफ़ी थिक होता है, मोटा होता है, और वहाँ पे पोलन बास्केट और खूब सारे आपको हेयर्स जैसे दिखेंगे। और जो आपका एंटीना क्लियरन होता है यानी कि कौन सा हुआ आपका फोर जो लिंब होता है इसका हनी बी का, उसमें ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, वो काफ़ी बुशी होता है। ये देखिए इसमें आपको काफ़ी बाल जैसे, मैं आपको ब्लैक सरफेस पे दिखाती हूँ तो शायद आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए इतने सारे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये हेल्प करते हैं हनी बी को अपना एंटीना क्लीन करने में। अब लेग्स की बात कर ली बिकॉज लेग्स सबसे ऊपर दिख रहे थे, और यूजुअली इंसेक्ट में क्या होता है ना इनमें बहुत जल्दी इस बॉडी स्टिफ होने लगती है, तो ये मुझे सुबह मिली थी। अब पता नहीं ये कभी रात में या एक्चुअली डेथ हुई इसकी या कब हुई, इसलिए मैं सोचा पहले लेग्स निकाल देती हूँ इससे पहले कि वो टूट जाए। यहाँ पे हनी बी का यूजुअली माउथ के सकिंग पार्ट्स होते हैं क्योंकि वो नेक्टर सक करती है, और यहाँ पे उसके एंटीनास प्रेजेंट हैं जो उसके एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। और हनी बीज की जो कास्ट होती हैं जैसे कि क्वीन, ड्रोन और वर्कर, तो ये वर्कर है बिकॉज इसमें पोलन बास्केट प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये वर्कर है। आइज से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्वीन है, ड्रोन है या वर्कर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर पोर्शन पे जो आइज़ हैं इसकी वो मर्ज्ड नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है दोनों आइज़, तो इसका मतलब ये है या तो ये क्वीन होगी और या तो ये वर्कर होगी। अब क्वीन ये हो नहीं सकती क्योंकि हमें पता है क्वीन इतनी छोटी नहीं होती, पहली बात तो ये, और वो पोलन कलेक्ट करने नहीं जाती, तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली ये ड्रोन है। अब नेक्स्ट हमने हेड की बात कर ली तो बात करते हैं थोरेक्स की। थोरेक्स में ही सारे लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं और उसी के साथ ही विंग्स भी इसमें थोरेक्स पोजीशन पे ही होते हैं। अब विंग्स में इनकी खासियत ये होती है, अगर आपको अभी पता है कि हनी बी कौन से क्लास में बिलोंग करती हैं तो आप अभी कमेंट करके बता दीजिए या कौन से ऑर्डर में आती हैं, तो आपकी हनी बीज जो आती हैं वो हाइमेनोप्टेरा में आती हैं। अब हाइमेनोप्टेरा जो नाम है वो इससे पड़ा था बिकॉज आप इसके विंग्स अगर ध्यान से देखें तो एकदम मेम्ब्रेन्स जैसे या झिल्ली की तरह हैं, इसके जो विंग्स एकदम झिल्ली की तरह हैं, तो इसी से इसका नाम पड़ा है हाइमेनोप्टेरा, बिकॉज हाइमेन का मतलब होता है मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेन, और प्टेरा का मतलब होता है या प्टेरा का मतलब होता है विंग्स, तो यानी कि मेम्ब्रेनस विंग्स, जिसकी वजह से ये जो आते हैं हाइमेनोप्टेरा में। इसी के साथ ही एंट्स हैं और जो भी आपके वैस्प है, पॉलिस्टिस हैं, ये सारे आपके हाइमेनोप्टेरा में आते हैं। और एक और भी एक आइडेंटिफाइंग फीचर है एपीडी का स्पेशली, जो कि एपिस जिससे बिलोंग करते हैं, उनमें क्या खासियत होती है कि उनका जो वेस्ट होता है वो काफ़ी पतला होता है। अगर आप देखेंगे बाहर से तो आपको लगेगा कि हनी बी का एब्डोमेन यहाँ से स्टार्ट है, बट एक्चुअली क्या होता है हनी बी का जो थोरेक्स और एब्डोमेन होता है वो काफ़ी फ्यूज रहता है, और जिसको हम प्रोपोडियम बोलते हैं, जहाँ जो आपका थोरेक्स या मेटर थोरेक्स का जो लास्ट सेगमेंट होता है वो और एब्डोमेन का फर्स्ट सेगमेंट होता है हनी बीज में वो फ्यूज रहता है। तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये प्रोपोडियम होगा और ये एब्डोमिनल फर्स्ट सेगमेंट होगा, और जो आपको पीछे बाकी पूरा ये अब्डोमेन जैसा दिख रहा है यहाँ ये आपका सेकेंड अब्डोमेन सेगमेंट होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ, टोटल 9 सेगमेंट होते हैं इनमें, ये खासियत है। बट इनकी जो लार्वल स्टेजेस होती हैं उनमें पूरे टोटल आपको 10 सेगमेंट्स मिलते हैं। अब यहाँ मैं बाकी लेग्स भी इसके डिटैच कर दे रही हूँ, फिर मैं आपको विंग्स का इसका अच्छे से स्ट्रक्चर बताऊँगी। इसको ईजिली रिमूव करना है, बिल्कुल उसकी चटनी नहीं बनानी है, हल्के हाथों से रिमूव करना है, आसानी से निकल आता है। अब मैं आपको ना विंग्स निकाल के दिखाती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये पूरा एक ही विंग है, पर नहीं,
हनी बी में दो विंग्स प्रेजेंट होते हैं, और हाइमेनोप्टेरा का जैसे मैंने नाम बताया कि मेम्ब्रेनस विंग्स है जहाँ से उसका ये हाइमेनोप्टेरा में रखा गया है, बट एक और इसके पीछे एक और कहानी है कि हाइमेन जो वर्ड है वो आया है ग्रीक गॉडेस से, जो कि ग्रीक गॉडेस ऑफ मैरिज थी। तो इनके जो विंग्स होते हैं ये एक्चुअली में दो विंग्स हैं, मैं आपको इस पर दिखाती हूँ। वाइट पे दिखाती हूँ, आई थिंक वाइट पे ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। इसके जो विंग्स हैं ये एक्चुअली में दो विंग्स हैं, ये दो विंग्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो इसका नाम, मतलब ऐसा भी माना जाता है कि हाइमेन ग्रीक गॉडेस ऑफ मैरिज को बोला जाता है, और उन्हीं से आप देखेंगे ये नाम आया है, क्योंकि इसके जो दोनों विंग्स होते हैं वो एकदम अच्छे से कपल की तरह एकदम जुड़े रहते हैं। और ये वो जुड़े किससे रहते हैं, एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसके लेग्स में स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है वैसे ही एक स्पाइन लाइक या हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि वो विंग्स जो हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। अब देखिए मैंने एक विंग इससे डिटैच कर दिया, एक यहाँ पड़ा हुआ है, और अभी भी आप देख सकते हैं इसमें दूसरा विंग जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें एक विंग नहीं, जो शुरू में आप देखें यहाँ पे भी अभी भी दो विंग लगा हुआ है, ये आपको लगेगा एक ही विंग है पूरा, पर नहीं, यहाँ पे दो विंग्स हैं, एक मैंने निकाल के रख दिया है जो कि उसका फोर विंग है, और ये वाला उसका हाइंड विंग है। अगर आप एंटोमोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपको स्लाइड तो बनानी पड़ेगी विंग्स की। तो ये देखिए कितने सुंदर से दो विंग्स आपको इसमें दिख रहे हैं, ये इसमें ये देखिए, मैं आपको स्लाइड पे रख के दिखाती हूँ, ये देखिए एक ये विंग है और एक ये विंग है, जो बड़ा वाला है वो फोर विंग है, और इसी से स्पाइन लाइक या हुक लाइक स्ट्रक्चर से जो हाइंड विंग है वो जुड़ा रहता है। देखिए कितने अच्छे से इसमें वेंस बनी हुई हैं, अभी वो हवा की वजह से उड़ गया क्योंकि वाटर नहीं रखा हुआ है, मुझे स्लाइड तो बनानी नहीं है, बस मुझे आपको समझाना है इसलिए। और फिर ये उसके अब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि हनी बी में सिर्फ 9 अब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं अडल्ट में, बट लार्वल स्टेजेस में इनके पूरे जो टोटल 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें ओविपोजिटर इनका, या जहाँ से वो जो जिसको हम स्टिंग बोलते हैं, या जहाँ से वो वेनम रिलीज़ करती हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं, अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज हमने कुछ नया ट्राई करा था, मुझे ये बाय चांस दिख गया अपनी बालकनी में, तो मैंने सोचा चलिए आपको एक्सप्लेन ही कर दूँ थोड़ा सा। तो ऐसे बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, मैं दोबारा से बता दूँगी। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।